सैया तेरा ट्रिपे ट्रिपे कभी सिजलिंग हॉट कभी सैया तेरा ट्रिपे ट्रिपे तो कभी फूलों वंती कभी ब्लैक ब्यूटी तो कभी गर्ल्स नेक्स्ट डोर तो मर गई दया वो दे गए आज अनिका अपने अलग अलग लुक में जलवे बिखेर रही है और कमाल की बात तो ये है कि शादी के बाद लड़कियां सज धज कर भारी भरकम कपड़े पहनती हैं लेकिन अनिका तो उल्टा और ग्लैमरस हो गई है भाई आखिर क्या राज है अनिका आपके इस लुक का हमने बस नॉर्मल सन में शूट किया है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में कोई लाइटिंग नहीं है एंड देयर आर सम रियली नाइस नेचुरल कैप्चर्स ब्लैक थोड़ा सा हॉट था इसलिए मैं फटाफट चेंज करके आ गई इससे पहले लोग गिर जाएं और मैं नहीं चाहती थी यहाँ पे सबको एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल जाना पड़े तो मैंने फटाफट से बहुत ही सिंपल सा एक फ्लोरल सा आउटफिट पहना है विद नाइस बेज यू नो हील्स एंड दिस इज हाउ इट इज हेयर इज सिंपल मेरा अनिका लुक ही है मोस्टली बट मैंने लिप्स थोड़े ग्लॉसी किए हैं दरअसल आज अनिका यानी सुरभि सेट पर अपना पर्सनल फोटोशूट कर रही है क्योंकि उन्होंने काफी वजन घटाया है इसलिए अपने इस फ्रेश लुक में नई तस्वीरें खिंचा रही हैं। खैर ये तो थी सुरभि की बात अब जरा देख लेते हैं कि हमारी अनिका मैडम क्या कर रही हैं। ये वाला ग्लास दो या वो वाला ग्लास दो इस शरबत को मैं कैसे पिलाऊं इस आफत को मैं कौन सी सजा दूं आज अनिका फिर से अपना लाल शरबत लेकर हाजिर है क्योंकि उनकी जिंदगी में फिर से आ गया है एक नया मिशन क्योंकि शिवाय की जिंदगी में फिर से आ गई है नई लड़की कमाल है भाई शिवाय ओबेरॉय एक लड़की जाती नहीं कि दूसरी लड़की उनकी जिंदगी में आ जाती है और इस बार तो उस लड़की के आते ही शिवाय बाबू अनिका को भूल ही गए बता नहीं सकता कि कौन आई है क्योंकि ये जो भी आई है मेरा जीना इन्होंने मुश्किल कर दिया है लेकिन आर्टिस्ट बहुत अच्छी है प्रतिभा इज जॉइन इश्कबाज एंड वी वेरी एक्साइटेड टू हैव हर ऑन आवर सेट शुक्रिया शुक्रिया वैसे मुझे नहीं लगा मैंने इतना मुश्किल किया अभी तो बस शुरुआत है आई मीन इट्स जस्ट द स्टार्ट अनिका ने भी ठान लिया है कि हमेशा की तरह वो अपनी इस सौतन को भी शिवाय की जिंदगी से निकाल फेंकेगी इसीलिए उसने तान्या के लिए बनाया ये शरबत जिसमें अनिका ने मिला दिया है जमाल गोटा प्रॉब्लम क्या है ऐसी तान्या क्यों आई है व्हाट इज द मकसद एंड स्टफ उसके लिए थोड़ी सी गेम खेल रही अनिका खन्ना सब मिले हुए हैं तो देखते हैं क्या होता है जमाल गोटा पिलाया जाएगा फिर देखते हैं क्या होता है पीती है कि नहीं पीती ये देखने वाली बात है कि पोपट हो जाता है मेरा लेकिन शरबत पिलाते समय हो जाती है गड़बड़ क्योंकि अनिका का भाई साहिल वहाँ पहुँच जाता है शरबत पीने अरे वाह मैं ये ले और किसी को अनिका के ऊपर शक ना हो इसीलिए वो खुद ही पी जाती है ये शरबत और दूसरा ग्लास तान्या को पिलाती है और देखिए अनिका का तीर तो निशाने पर लगा तान्या के हिस्से जमाल गोटे वाला शरबत ही आ गया इसीलिए तान्या भाग रही है वॉशरूम की तरफ वो तो एकदम जीरो इमोशन अनिका बस बहुत हो गया अब मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती वैसे तान्या शिवाय की जिंदगी में खुद से नहीं आई है बल्कि उसे यहाँ किसी ने भेजा है मैं मतलब मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है बस आ गई और जो चल रहा है बस वैसे ही चलती जा रही हूँ मैं मतलब ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं है सच बस हाँ कोई उठा कर ले आया है तो देखते हैं अनिका मैडम का अगला प्लान क्या होगा तान्या को घर से निकालने के लिए नुपुर माउची मुंबई आज तक